सुना है इमाद वसीम ने बड़े आउट करना शुरू कर दिए, 3 विकेट्स मिल गए उसको आज पाकिस्तान के लिए, तो काफी खुश आइंद है। रन भी नहीं दे रहा, खुद आउट किए। जो भी है अगर वो इकोनॉमिकली भी बॉल कर लेना जिस पोर्शन में वो बॉल करता है वही बहुत है। 3 और 4 ओवर में 12 रन दिए उसने यार, 4 ओवर में 12 रन करा रहा है ना, करवाया रहा नहीं बोल। और जिस तरह से उसने पहले ओवर में जो मैच का चेंज ही कर दिया ना, बात ही खत्म हो गई। क्योंकि अगर पावर प्ले में अगर अपने मूड सेट कर दिया ना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है रिकवर करना T20 में। और इमाद वसीम का यही था और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से अब वो बॉलिंग कर रहा है ना, वो वही बॉलिंग है जो हमेशा उसका खासा रही है, जो लाइन लेंथ बिल्कुल नैगिंग लाइन लेंथ पे। और पावर प्ले में भी जरूरत भी बहुत है, हमारे फास्ट बॉलर तो पिटने वाले हैं सीपीए उसमें वर्ल्ड कप में। और आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होना चाहिए ना, फास्ट बॉलर्स में वो बारूद भी तो नहीं रहा ना, नहीं रहा। जो बारूद है वो अपने लिए फट रहे हैं बस। नहीं कहाँ है यार वैसी तो बॉलिंग 2021 वाली 22 वाली तो अब नहीं है। नसीम शाह है बस, उसके अलावा शाहीन जो है वो बिल्कुल ही फारिग हो गए बस। वो फिर 6 महीने कोई पता नहीं वो भी इंजर हो जाए, अभी जैसे पीएसएल खत्म होगा कोई पता नहीं वो भी इंजर हो जाए। अभी वो न्यूजीलैंड के बच्चों की सीरीज आ रही है ना उसमें खिला खिला के उसका बड़ा कर देंगे यार। वैसे इस सीरीज के अंदर अगर न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है इसमें ये जो हमारे पास इस दफा पीएसएल में, खैर हो सकता है वही हमें इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बड़े जमाने बाद भी पीएसएल देखा था, बड़ा एक यंग टैलेंट आया है, अच्छे लोग हैं, स्पिनर्स भी नजर आए हैं, बैट्समैन भी हैं, पेसर्स भी हैं, पेसर भी हैं, एक दो मोहम्मद अली वगैरह ये सब खैर नए इंटरनेशनल तो आ चुके हैं, तो इनको भी यंग टीम को भी खिलाया जा सकता है इस तरह का कोई टूर, जरा ग्रूम हो जाएंगे। लेकिन बाबर चाहिए लेकिन करते नहीं है ना हम लोग, मसला ये है। बॉलर्स को कर लेंगे फिर भी ये लोग, लेकिन बाबर रिजवान नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो उनको मैच फीस दे दें, कोई मसला नहीं है उनको, बोला बैठो लेकिन मैच फीस ले लो। यार बैठना भी तो नहीं चाहते ना साथ साथ, तो मैं याद नहीं है रन बनाने इंग्लैंड जब आया था 7 T20 लास्ट ईयर खेलने के लिए, तो 7 T20 हुए यहाँ पे जो हम 4-3 से हार गए थे, और उसके बाद वर्ल्ड कप था राइट, उसमें अबरार 15 के स्क्वाड में था, एक मैच भी नहीं खिलाया गया उसको, सही है ना। उस्मान कादिर को 2-4 मैच खिलाए और फिर शादाब ये सब मिक्स करके नवाज खेलते रहे और फिर उसको लेके ही नहीं गए, और वो फिर चेक भी नहीं हो पाया अबरार में कभी। तो यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि यार चांस नहीं देते ना आप, चांस तो देना। चेक भी नहीं हो पाया उसको, वाइट बॉल में ट्राई नहीं किया। अभी पीएसएल में तो अच्छी वाली बॉलिंग करी यार उसने। किसने? अबरार ने नॉर्मल किया, उससे अच्छी बॉलिंग काफी सारे स्पिनर्स, मतलब जितनी उसने करी है ना वर्ल्ड कप में इतनी भी नहीं करी किसी स्पिनर ने पाकिस्तान के, बात ये है। लेकिन ये T20 है ना, 8-9 मैचेस अगर वर्ल्ड कप में खिलाते उसको तो कम से कम वो 12-14 तो आउट कर ही लेता ना। इतनी इब्राहिम को वर्ल्ड कप से पहले आजमाते तो फिर हम कुछ कहते ना इसको, अभी तो T20 में उससे जो है वो इतने हाफ ट्रैकर हो रहे हैं विदाउट बीइंग टेस्टेड, तो नो वन इज यू नो नो वन कैन से एनीथिंग अबाउट एनी प्लेयर। तो उसमें यही होता है कि जैसे इंडिया का अच्छा फॉर्मूला है ना यार, कि जो भी सेकंड स्ट्रिंग टीम आ रही है या कोई भी हल्का फुल्की टीम के साथ मैच है तो सबको खिला के चेक कर लिया, अपनी भी सेकंड स्ट्रिंग टीम, और उसमें जीत भी जाते हैं बड़ा कंफर्टेबल भाई, वो जीत भी जाते हैं उसमें से, वो 2-4 प्लेयर निकाल के अगले के बड़े मैचेस की स्क्वाड में भी डाल देते हैं, वहां पे उनको 4-6 महीने साथ रख के कुछ खिलाते हैं कुछ, और कैप्टनसी का जो कीड़ा है ना वो भी पूरा हो जाता है सबका। कभी सूर्य राहुल है, कभी अय्यर है, कोई भी है, तो अच्छी बात है यार, इसमें तो यही होना चाहिए। यहाँ पे तो नो बने असल में पाकिस्तान, बाबर आजम अगर सिक्योर फील नहीं करता ना अपनी प्लेस के बारे में फिर कौन करेगा। नसीम शाह ये तो कह रहा था पाकिस्तान में कोई बैठता इसलिए नहीं है क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं हो सके खेलेगा या नहीं वो बाद में, ये वाला भी तो मुश्किल है। तो मतलब प्लेयर्स के कंसर्न भी हमें देखने पड़ते हैं। एक दोबारा सीरीज सिर्फ थी अगर याद हो जिसमें हमने कुछ प्लेयर्स को बिठाया था जबरदस्ती, अफगानिस्तान वाली जो सीरीज थी, और फिर सब उसमें रो रहे हैं कि हम हार गए, तो क्या फर्क पड़ता है यार अगर हार भी गए तो क्या होगा। और आपने यूएई में बच्चों को अफगानिस्तान के सामने डाल दिया, के स्पिनर्स के सामने, जिसके सामने आपका बेस्ट बैट्समैन भी स्ट्रगल करता है, तो मतलब ये तो जाती है ना फिर। ये यहाँ पे पाकिस्तान में खिलाओ ना उनको, इंडिया वाले भी अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम अक्सर इंडिया में खिलाते हैं, आप होम कंडीशंस में नहीं खिलाते हो ना। हाँ होम कंडीशंस में खिलाओ, ये सारे बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, उमेर भी अच्छा खेल रहे हैं। नहीं शारजा में थे मैचेस ना, तो शारजा तो उनका होम ग्राउंड है ना, वहाँ वो खेलते हैं ना अफगानिस्तान वाले, तो वो दोनों का ही होम ग्राउंड है ना। हाँ लेकिन वो वाली जो सीरीज थी वो उनकी थी ना, विक्टर विक्टर ने अपनी मर्जी से बनवाई थी, तो उसमें से हम एक मैच जीते थे, आखिरी वाला 2 हार गए थे, शादाब कप्तान था। हाँ एक मैच में जिसमें साइम चला था वो जीत गए थे, तीसरा जो था। शुरू में इनको बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। साइम ने इस पीएसएल में बहुत, मुझे तो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द गाय, बहुत अच्छा उसने ओवरऑल परफॉर्म किया है, ठीक है। बस कल के मैच में देखते हैं कि वो अगर कल पेशावर रगड़ा दे देता है ना काशिफ भाई, तो फिर ये पीएसएल पेशावर अगर हो जाता है तो, लेकिन इस्लामाबाद ओवरऑल कर जाएगा। बात इस्लामाबाद बड़े मैचेस में ही परफॉर्म कर जाता है, लेकिन बाबर कल अच्छी इनिंग खेल जाए बस,
एक मैच भी नहीं खेल जाए एक्चुअली बाबर और साइम वर्सेस बाबर और साइम वर्सेस ही है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्योंकि मिडिल ऑर्डर उनका है नहीं कोई और लोअर ऑर्डर वो भी चला गया ना उनका बॉलर नवीन उलग ना वो अब मार खाने वाला भी कोई नहीं 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 यार उसने मैं अच्छी बॉलिंग करी थी मैचेस मुझे वो है ना क्या नाम है जिसका मैं कल कह रहा था वाल्टर है ना हाँ वाल्टर है वाल्टर वाइट जो अपीयरेंस से डराता है अपने लंबा अरे इतना लंबा है वो और बॉलिंग बिल्कुल ही लीठी रहता है हाँ वो थोड़ी सी इरफान की तरह कौन से वाले इरफान की तरह इरफान था ना एक लंबा फारिक बॉलिंग थी बिल्कुल उसकी लेकिन था अरे क्या हो गए सही थी यार बॉलिंग अच्छी करता था साउथ अफ्रीका में भी अच्छी बॉलिंग की थी और ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी अरे उसने इंडिया में जाके जुनैद खान के साथ इंडिया को काफी तंग किया था यार नहीं असल में पेस की बात कर रहा था मैंने कहा उस जमाने में तो पेस थी उसकी 140 वर्ल्ड कप में आके उसकी पेस 7 फुट का वो था 7.5 फुट से बॉल आती थी मुश्किल था यार उसको खेलना आपको याद होगा गौतम गंभीर को आउट किया था उसने एक बोल्ड किया था बड़ा प्यारा उसको अंदर लेके आया था बॉल आज का जो मैच था आते उसमें हमें तो ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद जो है वो पहले तो आराम से 200 रन कर जाएगा लेकिन क्वेटा ने बहुत अच्छा कमबैक किया क्योंकि देखो ना 11 ओवर में 100 रन हो गए थे और एक आउट दो आउट हो गए थे दूसरा बाद में आउट हुआ मतलब उसी ओवर में सलमान जब आउट हुआ तो सलमान भी यार बहुत अच्छा खेल रहा था मतलब लग रहा था कि पूरी पीएसएल अच्छा खेल रहा था बहुत मतलब अच्छा इस्लामाबाद में जो जाता है ना वो बिल्कुल लगता है कि वो इंग्लिश टीम की तरह ही खेल रहा है कि वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए कोई नहीं खेल रहा 30-35 रन बनाते हैं सब और 175 से 200 के दरमियान टारगेट ये दे देते हैं ठीक है ना तो बड़ा सेल्फलेस खेलते हैं वहाँ पे लोग वहाँ क्या ऐसा फॉर्मूला लगता है तुम्हें सिर्फ जो है ना वो जाते हैं और वो इम्पेटस प्रोवाइड करते हैं उनको सबको बोला हुआ चाहे तुम लोग 20-25 रन करके आओ लेकिन टीम के लिए करके आ जाओ बस और सब लोग इतने रन करके आते हैं और वो सिक्योरिटी शायद दी भी है उनको कि किसी के प्लेयर्स खतरे में नहीं है सबने सब खेलना सिक्योरिटी के अलावा ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट थॉट प्रोसेस जो एक ड्राइव होता है आपकी कोचिंग की तरफ से आपके मैनेजमेंट की तरफ से वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से होता है हमारे यहाँ क्योंकि बाकी जगह पे पाकिस्तान का कल्चर है लाइकिंग डिसलाइकिंग का एक बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे बायस होती हैं चीज़ें इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है भले वो इंटरनेशनल सर्किट का पार्ट है या नहीं है वो कंसिस्टेंटली उसे कैरी करते हैं प्लेयर ये हम देख रहे हैं 6-8 पीएसएल में पिछले हुआ है मतलब राना फहीम अशरफ जैसे प्लेयर को भी अगर वो कैरी कर रहे हैं जिसका बहुत थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 8 में से वो 2 मैचेस में थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस इतनी दे देता है कि वो मैच में उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन सही है बट दे स्टिल कैरी क्योंकि उनको पता है कि हमारे क्या होता है कि किसी को भी निकाल दो सबसे आसान काम है किसी को भी निकाल दो उसके बाद क्या करोगे उन्होंने मैच विनर भर लिए हैं उनको ये होता है कि हर मैच में कोई ना कोई तो स्टेप ऑन कर लेगा कोई ना कोई कर जाता है कोई ना कोई कर भी और आप देखें पीएसएल की हिस्ट्री में वही टीम है जिसका एक मेथड है शुरू से वो उसी के साथ स्टिक करें जो उनकी आइडियोलॉजी है लाहौर कलंदर का लेके था ना लाहौर का कोई मेथड है ना कराची का कोई मेथड है किसी का कोई मेथड नहीं कराची का कोई मेथड नहीं है लाहौर कलंदर का तो मेथड था ना आकिब जावेद ने बताया था मेथड टू मैडनेस था मैं वो सिर्फ मैडनेस थी मेथड नहीं था लेकिन इस्लामाबाद ने एक चीज इसमें इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि वो जो यूटिलाइज नहीं की या कुछ प्लेयर्स को उन्होंने नहीं खिलाया उसमें से मेरे ख्याल से कासिम अकरम शायद उसी टीम का पार्ट है कैसे घुसेगा वो इतने पैक्ड लाइनअप के अंदर जबरदस्ती कैरी करते ही शादाब की दोस्ती कह लें व्हाटएवर कह लें वो फहीम चलता ही रहता वो देखें लेकिन फहीम को उन्होंने पहले भेज दिया फहीम ने उनको मैचेस जिताए हुए हैं फहीम एक टाइम पे बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करता था और फहीम का दूसरा ये है कि अगर थोड़ी बहुत बॉल हिल रही हो ना तो उसे नई बॉल से करा के एक चैनल पे बॉल करता है वो आउट भी कर सकता है क्रिस वोक्स टाइप का जो है ना वो चैनल में बॉल कर लेगा वो ये सब चीजें 2-3 साल पहले तक थी मतलब इस साल तो बहुत ज्यादा जो है ना हर जगह मुकुट पड़ गई पिछले साल की उसकी परफॉर्मेंस थी उसकी सिक्योरिटी थी तो उन्होंने पूरा सीजन खिलाया मिड ऑफ सीजन में उन्होंने इसको लेफ्ट राइट नहीं किया या पीएसएल से पहले जो भी उसकी परफॉर्मेंस रही है दूसरी जगहों पे डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में जहाँ भी उसकी बेस पे उन्होंने डिसाइड किया दे कैरीड हिम और उनको एक ट्रस्ट था अपने ड्रेसिंग रूम के एनवायरनमेंट पे एक पूरे उस पर यार हमारा कल्चर इस तरह का है तो हम इसे नेक्स्ट ईयर भी खेलेगा मसला ये हुआ कि ये लोग किसी भी टाइम पे इस पोजीशन में नहीं आए कंफर्टेबल हो जाए
ये हमेशा जो है वो क्वालिफिकेशन की कोशिश ही कर रहे हैं काफी देर। असल में कासिम अकरम की जगह बनती है इमाद वसीम को रेस्ट दे, ऑलराउंडर है ना, ठीक है। तो इमाद वसीम के पीएसएल के शुरू में तो ऐसी परफॉर्मेंस थी नहीं, अगर वो रेस्ट लेते तो रेस्ट इमाद वसीम के साथ भी स्टिक किया उन्होंने और अब वो पे ऑफ किया उसने। अगर अब वो इमाद अब असल में टीम का पार्ट लग रहा है, लग रहा है। इमाद वो बड़ा सिंक नहीं था, इमाद पहले वो बड़ा जो है ना इंडिफरेंट सा लग रहा था, डिसइंटीग्रेटेड था। इमाद वसीम नहीं होता तो इस्लामाबाद अभी क्वालीफाई नहीं किया होता। हां ये उसने जो वो जो 30 रन गेने खेल ली ना 12 बॉलों पे 30, वो है 30 रन लेकिन वो यार लेकिन मैंने पढ़ा था कि पिछले कितने 8-9 पीएसएल में इमाद वसीम ने तीसरी दफा बैटिंग से कोई मैच जिताया है। अब पिछले स्टैट्स तो मुझे याद नहीं है इसके लेकिन exactly कराची से जब भी खेलता था वैसे बहुत ऊपर आके इसने बहुत रन मारे थे पिछले सीजन में, मारे थे ना बहुत रन मारे थे, जीत पाता होगा ना नोटॉडी बहुत रहा था, अकेले ही खेलता था वो, अकेले कैप्टन था तो अकेला खेलना पड़ता है ना कराची के, वन डाउन टू टू डाउन आता था मेरे ख्याल में, और ये बहुत मारता था पांचवा छठा क्योंकि नॉर्मली वेड और विंस ओपनर आते थे, तीसरा मुझे याद नहीं कौन होता था, चौथा शोएब मलिक था और पांचवा प्रिय आता था अक्सर शोएब मलिक के साथ कभी किसी और के साथ, तो इसने पार्टनरशिप्स के साथ काफी मारा, बट ये कि मेरे ख्याल से वो एक फेमस को था ना ओवर अब्बास अफरीदी का जिसमें 22 रन चाहिए थे और इमाद वसीम ने ऑलमोस्ट बना लिए थे, ऑलमोस्ट बना लिए थे, एक फुल टॉस नो बॉल वो भी छक्का भी मार दिया था, बिल्कुल एक दो बैन कटिंग भी साथ था इसके, वापस लेनी पड़ेगी। आशीष लतीफ ने बोला भी था ना कि इमाद को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जो है वो बिल्कुल लेनी चाहिए, यूएस में और कैरेबियन में वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान के जो जो प्लेयर सीपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं दे शुड बी पार्ट ऑफ स्क्वाड, सही है। टी20 है, कोई ये रिकॉर्ड की क्रिकेट नहीं है कि जी 200 मैच खेल के किसी को तारीख में याद रखा जाएगा या 100 मैच खेल के जिससे तारीख में याद रखा जाएगा, जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करता है उसको टीम का पार्ट होना चाहिए। आजम खान ने भी बहुत रन बनाए सीपीएल में, सही है। इमाद वसीम ने भी, आमिर ने भी बॉलिंग सही करी है वहाँ पे, लेकिन आमिर का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, आमिर लेकिन और चाचा जिस तरह की रेड हॉट फॉर्म में है ना, चाचा यहीं चलेंगे नहीं चलेंगे बाहर कहीं ना आप लिख लो, इसने मैच नहीं देखे अभी तक, अरे देखे हैं मैंने मैच चाचा के, चाचा से 40-42 नॉट, अच्छा चलो चाचा यहाँ चल रहे हैं ना, चाचा बाहर भी तो चले हैं ना, आजम कौन सा बाहर चले गए, आजम सीपीएल में रन बना चुके हैं यार, सीपीएल तो फिर भी लीग है ना, मतलब भाई ये चाचा का वनडे में 100 है, चाचा का टी20 में 5-6-50, चाचा को जितने मैच खिलाए हैं उस हिसाब से चाचा ने बीपीएल वगैरह में तो रन किए हैं, चाचा जो है वो आजम खान के अब्बू की उम्र के हैं, सही है, तो नहीं 6 महीने छोटा, 6 महीने छोटा है, सही चलो तो, लेकिन यार चाचा को, चाचा ने 8-9 मैचेस में इतना रन बना 50 तो कर दिए, 190 का स्ट्राइक रेट है पीएसएल में उसका, उसका चार ओवर में 80 रन चाहिए थे, 70 रन चाहिए थे ना, वो सिंगल हैंडेडली बनाया यार उसने मैच, पिशावर के खिलाफ जो था दोनों पिशावर वाले जो मैच थे, जो करीब लेकर आया वही लेकर आया, एंड में हरा दिया उसने, उसने क्या यार दिया यार 22 रन चाहिए आखिरी क्लोज नहीं किया 22 रन चाहिए नहीं वो वाला मैच नहीं क्लोज किया इसने, जो पहला फंसा था दो बॉलों पे 5 रन चाहिए थे याद है, जिसमें आखिरी दो बॉलों पे जब 5 लेकिन उसमें भी उसने 14-15 रन खुद ही बनाए थे, उसने सारे रन खुद ही बनाए थे, और एक आमिर जमाल, आमिर जमाल होना चाहिए भाई टीम, आमिर जमाल स्क्वाड में तो होगा, आमिर जमाल स्क्वाड में मोस्ट प्रोबेबली होगा, जिगरे से खेलने वाला प्लेयर है, जो हम कल भी टीम अगर बात कर रहे थे कि मोस्ट प्रॉबल जो होंगे वो चार तो शुरू के वही कॉन्स्टेंट ही है, साइम और रिजवान और बाबर तीसरा, चौथा आजम, चाचा 5, आजम 6 हो गए, आजम का भी कंफर्म नहीं है ना, नहीं मैं कह रहा अगर 6 आजम की जगह इसका स्लैश कर देगा, इसके बाद आप शादाब को लेके तीनों, अगर तीनों रख लेते हैं शादाब इमाद और फिर आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स और 1 आध बैट्समैन या ओपनर कोई भी एडिशनल, वो 4 फास्ट बॉलर्स बहुत है, हां स्क्वाड में तो सही है, जैसे शाहीन होगा
नसीम होगा, दो तो ये होगा, अब्बास अफरीदी होगा, तीन हो गए, जमान होगा, जमान नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल जमान होगा। अब ये नई मैनेजमेंट आमिर को पता नहीं किस तरह से देखती है, आई डोंट नो आमिर इस नई मैनेजमेंट को किस तरह से देखता है, क्योंकि आमिर ने सारी दोस्ती तो शाहीन से कर ली थी, शाहीन की कप्तानी तो खतरे में आ गई, उसने तो इसी सोच से सेटिंग बनाई थी सारी। नहीं आई थिंक आमिर अच्छा रिजवान कैप्टन बन के बाबर और रिजवान ओपन करे, यही होगा, यही होगा। यार साहिब के साथ जाती है यार, वैसे बेचारे के साथ ही साहिब किसी भी नंबर पे रन बना लेगा, नहीं ये जाती है साहिब के साथ नहीं। अब ये देखते हैं ना, क्योंकि बाबर ने तो क्लियरली कह दिया है ना साथ के यार मैं, वो तो रिजवान ने भी बोल दिया था, लेकिन बाबर वन डाउन आ गया था, रिजवान अभी तक वन डाउन तो रिजवान अब कप्तान अगर बन जाएगा तो फिर आएगा नहीं आएगा ना, आएगा नहीं ना बाबर, फिर वन डाउन तो शाहीन ने उसको पीछे करवाया ना, बाबर को शाहीन चाहता तो रिजवान को थर्ड पे करवा सकता, रिजवान वाइस कैप्टन था वो नहीं हो रहा था ना, वो यादू वाला सीन भी तो है ना, वो कभी भी नहीं आएगा तीन, वो कुछ नहीं पता, वो बॉल भी लेके खड़ा हो जाए पहले ओवर में करूंगा। और आप देखें रिजवान के साथ साइम परफॉर्म नहीं कर रहा, साइम परफॉर्म कर रहा है बाबर के साथ, बाबर के साथ रिजवान से प्रेशर डालता है उसके ऊपर और कुछ नहीं करता। नहीं अब ये वाला एक है बड़े प्लेयर के, बाबर इज डेफिनेटली अ मच बिगर प्लेयर इन ऑल एस्पेक्ट्स, उसके साथ बैटिंग करने में और रिजवान के साथ बैटिंग करने में फर्क है। रिजवान की तो बैटिंग देख के हमें खुद डर लग रहा होता है कि भाई कुछ नहीं पता, कोई अच्छा वाला खेलते खेलते मिस्टर वैनिटी एक साइड पे, वैनिटी एक साइड पे खेलता ना बस, देखो एक साइड पे खेल के उसने इतने रन बना दिए, अगर उसकी दोनों साइडें ठीक होती पूरे चारों जगह, हां उसकी दोनों साइडें ठीक होती तो फिर कितने रन बनाता, इतनी खराब भी नहीं होनी चाहिए, पहले कुछ ना कुछ तो बना ही लेता था, अब तो यार वो खेलता ही नहीं, सिंगल भी नहीं लेता ऑफ पे, भाई वो ऑफ पे बॉल आएगी वो सीधी फील्डर के पास जाएगी, वो सुपरमैन वाली रनिंग करके सीधा रन पूरा करेगा। तो खैर अब आप आगे क्या देख रहे हैं काशिफ भाई पीएसएल में? पीएसएल इस्लामाबाद, वाह काशिफ भाई तो शुरू से इस्लामाबाद मुल्तान देख रहे हैं, जीतेगा इस्लामाबाद, मेरा ये अपना मानना है, अब टूर्नामेंट में तो अब बिल्कुल एक एक मैच का ही गेम सिर्फ रही है, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि और सबकी सिंपैथीज जो है ना पेशावर के साथ, हाँ मुल्तान के साथ किसी की सिंपैथी नहीं, मुल्तान के साथ सब कहते हैं मुल्तान बोरिंग टीम है, बोरिंग टीम है, उसने बहुत मेथोडिकल है यार, बहुत मेथोडिकल है, उस तरह से एक्साइटिंग नहीं है, नहीं मेथोडिकल है, और उसके अलावा मतलब हु इज ड्राइविंग दैट मेथड, ताज्जुब की बात ही है, पूरी सिर्फ रिजवान नहीं है ना, पीछे उनकी मैनेजमेंट भाई वो मोहम्मद वसीम भी है, मोहम्मद वसीम एडमिनिस्ट्रेशन वो सब सही है अपनी जगह, लेकिन फील्ड के अंदर तो रिजवान ही कर रहा होता है ना, रिजवान से कोई काम करवा ले अपने हिसाब से ये कितनी बड़ी बात है, सही बात है, ये भी तो एक मसला है ना, वरना वो कहता मैं खुश नहीं हूं। यासिर भी अच्छा खेल रहा है ना, यासिर खान भी अच्छा खेल रहा है यार ऊपर से, लेकिन पेशावर के अंदर असल में पेशावर इसलिए भी है क्योंकि पेशावर में दो चार प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं, हाँ हमारे जो ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे ब्राइट प्रोस्पेक्ट, मुल्तान के अंदर कोई एक मुझे वो लगता था, लेकिन वो भी अब मेरे ख्याल से वो बाहर जा चुका है, फाद भाई बता रहे थे उस्मान, वो तो कब से चला गया पिछले दो सालों से, और कोई प्रोस्पेक्ट है नहीं, मोहम्मद अली कुछ भी कर ले वो तीन आउट चार आउट खान वाला प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, अब्बास अफरीदी का प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, अब्बास अफरीदी उमर गुल के फैमिली से है, तो यॉर्कर करते नहीं देखा मैंने, लेकिन अब्बास अफरीदी को ज्यादातर वो कटर्स और अपने वो वैरायटी पे जाता है, हर चीज डीएनए में थोड़ी मिलती, लेकिन ये जरूर है मेहनत भी करनी पड़ती है उमर गुल के पास, लेकिन उसकी डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई अब्बास अफरीदी की, अब्बास अफरीदी ने इवन शुरू में भी अच्छी, हमने शाहीन अफरीदी की भी डेथ बॉलिंग देख ली है भाई, वो डेथ से हम लोग डेथ ही हो जाती है, वो डेथ ऑफ बॉलिंग है, वो मैच की डेथ करने के लिए है, जैसे वो टेक्नोलॉजी होती है ना, लेकिन अकल नहीं आ रही ना उसको अभी तक, मसला अकल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अब आसपास जो कुशन है ना वो शायद दामाद है ना वो शायद उड़ले थे कि दो दो पीएसएल जीत गए सारा कुछ हो गया, तो वो जॉन इलिया का शेर नहीं है कि हाथ सिर्फ बातों से कौन सीखा है, सबको एक हादसा जरूरी है, तो वो हादसा हो गया, लेकिन अब तो सानिया हो गया, सानिया हो गया, और लेकिन अब वो पीएसएल जीती भी कौन सी टीम जो कभी मैच नहीं जीतती थी, और जैसे ही शाहीन अफरीदी पहले साल ही जीत गया था ना, पहले साल आज स्क्रीन पे सवाल चल रहा था कि शाहीन अफरीदी ने पहली बार जो स्कोर बड़ा सवाल नहीं आता है कि पहली बार कब कैप्टेंसी की लाहौर कलंदर्स की, 21-22-23 ऐसे कुछ था लिखा, अच्छा तो मेरे ख्याल से 22 में ही की थी, 22 में पहले साल ही की थी और जीत गया था, और फिर 23 में भी जीत गया, और इसी वजह से तो इतने चौड़े हो गए थे ना,
और फिर जो है बिल्कुल ही आकिब जावेद ने सुना है सऊद शकील के हवाले से अपना बयान वापस ले लिया है। वापस नहीं लिया, उन्होंने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैंने कहा भाई कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात ठीक हो सकती है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में ठीक हो सकती है कि आप उसके बारे में ये कह रहे हो, बॉडी शेमिंग कर रहे हो उसकी। नहीं असल में इस टूर्नामेंट में जो जो जिसने बड़े बड़े बोल बोले, जिसने एक दूसरे को ये किया, आज आज जो सऊद ने सलमान के साथ किया था यार वो सही नहीं था। सऊद ने सलमान को आउट किया, दोनों की दोस्ती भी है लेकिन वो उसको बड़ा गंदा सेंड ऑफ दिया ना, सेंड ऑफ दिया ना उसने। तो जब एमाद पे सऊद शकील जीरो पे आउट हो गया ना, तो सलमान उसके साथ साथ में चल रहा है बिल्कुल वहां तक, आधे स्टेडियम तक कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ चल रहा है साथ उसके। सऊद बड़ा डिसअपॉइंटेड था। नहीं नहीं सही, अबे भाई इन लोगों ने आधे टेस्ट मैच के तो अपने रन एक साथ ही बनाए हैं दोनों ने, सही है। एक की डबल सेंचुरी होती थी, एक की 100 होती थी, एक की 100 होती थी, एक के 80 होते थे, यही बेचारे चला रहे थे टेस्ट टीम तो हमारी दो साल से पिछले। हाँ, दोनों यही ही चलाएंगे इंशाल्लाह, आगे भी यही चलाएंगे, मतलब अच्छे ब्राइट प्रॉस्पेक्ट हैं। लेकिन सलमान ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ प्रेशर, अगर वर्सेटिलिटी चेक करें उसकी आप, यार वो पूरा एक बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो आप ये देखें उससे बॉलिंग अभी तक यार बॉलिंग नहीं कराए, नहीं बैटिंग अच्छी कर रहा है, यहां दूसरा बंदा बॉलिंग कर रहा है ना, मैं ये कह रहा हूं कि उससे अभी तक बॉलिंग कराई नहीं शायद। अच्छा, एक दो नहीं, एक मैच कर रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ी होगी इन लोगों को, इनके पास इतने ऑप्शन हैं, इनके पास इतने ऑप्शन। आप काशिफ भाई सोचे रिजवान जो है वो साइम अय्यूब और इमाद वसीम से अटैक करवा दे, साइम अय्यूब और साइम अय्यूब से तो करा सकता है ना, साइम अय्यूब कराई अभी बहुत, इमाद वसीम से तो कराएगा वो, साइम अय्यूब सिंस ये पेशावर का टैक्टिक था पता नहीं वो यूज करेगा या नहीं। साइम तो कुछ टाइम से बॉलिंग कर रहा है, साइम अय्यूब ने जिस तरह की बॉलिंग करी है ना, इसको ट्राई तो बनता है, डेफिनेटली बनता है, इसको डेफिनेटली बनता है, स्पेशली जब कोई मार रहा हो ऊपर से आके, जो डेफिनेटली मारेंगे, और हमारे बॉलर को तो डेफिनेटली मारेंगे। शुरू में तो अटैक भी किया इसने, और एक मैच में दो मैच में आउट भी किए हैं, फिर अभी जो मेरे ख्याल से लास्ट मैच हुआ था उसमें पावर प्ले में चौथा पांचवा ओवर कराया और उसमें भी आउट कर दिया इसने। इसने मुल्तान के खिलाफ आउट नहीं किए, मुल्तान के खिलाफ साइम को रिजवान ने दो दफा फील दिया था, पहले ओवर मार दिया था 12-14 रन, बाकी सारी टीमों के खिलाफ आउट किया है, पर रिजवान ने उसको लेग साइड पे मार दिया। रिजवान चेक कर रहा था कि मैं जब कप्तान बनूंगा तो मेरे ख्याल से आप ठीक नहीं हो। हाँ, आप उसने शायद उसको बोला कि यार ये तो आने वाला कैप्टन है, इसको आउट नहीं करना चाहिए, इस तरह का कुछ है, इसको दोस्त को रन बनवा दो यार, रिजू भाई आप रन बना ले, उसको लगेगा कि यार मुझे तो एक साइड पे खेलना आता है, मैंने रन बना दिए, कोई ऐसा प्लेयर आ गया जिसको दोनों तरफ से खेलना आता है तो वो क्या करेगा, इसके दोनों वो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर मारे इधर मारे, इस चक्कर में आउट होगा। रिजवान ने तो इसीलिए तो रिजवान ने कहा था या तो विन है या तो लर्न अप करना। हां जी, समझ गया आप, तो ये वाला सीन सारी आपने इस तरह की बातें मुझसे आज ही करवा दी है, जबकि आपको पता है मैं कंट्रोल करके बैठा हूं भाई, इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए। हां सही बात, ये रमजानों में नहीं आते, बंद हो जाते रमजानों में। जी इस्लामाबाद बड़े सही टाइम पे पीक कर रही है, और हमेशा टूर्नामेंट वही टीम जीती है जो सेकंड हाफ में अक्सर पीक करना शुरू करती है। डर लग रहा है यार इस्लामाबाद से, पेशावर को ना मार दे यार, यार असल में लेकिन ये बड़ा एक हो रहा है ना पैटर्न के, ज़्यादातर वही दो टीमें फाइनल खेलती हैं जो क्वालिफायर भी खेल रही होती हैं, यानी कि जो टॉप टू लैंड करती हैं ग्रुप स्टेजेस से, तो उस हिसाब से तो पेशावर का चांस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद जो है ना निकलेगा आगे के लिए। मैच मज़े का होगा क्योंकि हमने अभी इस्लामाबाद के मेथड की बात करी है, पेशावर इन दिस सीज़न इन पर्टिकुलर हैज़ बीन प्रीटी मच टैक्टिकल, ठीक है, इनके चेंजेस, इनके मतलब एक होता है ना कि वो तुर्क का इक्का रखा हुआ होता है जो किसी भी टेढ़े मौके के ऊपर उठा के वो लगा देते हैं, बॉलिंग के अंदर ज़्यादा पता चलता है, आमिर जमाल से आखिरी ओवर करवाना, ठीक है, साइम अय्यूब से इस तरह से ओवर्स करवा लेना पावर प्ले में, और ज़रूरी नहीं है कि पहले ओवर ही करवाएं, बीच में भी पावर प्ले में तीसरे चौथे पांचवें में ओवर में भी उसे यूज़ किया है, प्लस बैटिंग में तो इनको कोई वो है ही नहीं ना, बैटिंग में तो दे आर प्रीटी मच कंफर्टेबल, ओपन ओपनर इनके 70-60 करके दे देंगे, वही तो है ना, बहुत हैवीली डिपेंडेंट है लोग एक्चुअली ये टॉप पे, अगर ये वहाँ पे विकेटें गिर गई तो समझ आधा मैच ही वहीं पे हार जाते हैं, और लॉ ऑफ एवरेजेस ये कहती है कि बाबर आजम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और देर आर मोस्ट likely chances of something happening tomorrow according to law of averages 40 se 45 run mere khayal se usko aur chahiye to overall se fakhr zaman se record jo 588 run ka hai na usko ek badi inning khelni padegi aur impactful inning khelni padegi pichli dono innings uski jo hain wo thode low strike shot of the tournament babar ka hai zaid haan yaar khoobsurat yusuf wala shot mara tha usne और वो उस पिच पे मारा था जहाँ पे कितना कितना स्पिन हो रहा था, अच्छा बड़ा छक्का था, जाहिद जाहिद महमूद अच्छा वाला स्पिनर है भाई, नहीं मतलब अच्छा बड़ा छक्का था और वो पिच भी क्या थी,
इतनी स्पिन हो रही थी बॉल उस शॉट उस टाइम पे यार तारीफ की है यार, मतलब वो बार बार मैंने देखा ना वो शॉट, वो खूबसूरत शॉट था यार। इस्लामाबाद के खैर जाहिद तो कराची का है ना, जाहिद कराची है जाहिद एक लेग स्पिनर और मुश्किल विकेट थी और उसपे इतना मुश्किल शॉट मारना। और पिछले डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स अगर जरा सा भी अच्छा होता है ना तो बाबर आजम को फटाफट आउट कर देता है। सही है, ऑफ स्पिनर भी आउट कर देता है बाबर आजम को, कोई बिल्कुल उसने थोड़ी इंप्रूव की है अपनी गेम तो वो उसका भी एक फर्क। कैप्टनसी कैसे इंप्रूव किया था उसने ये बताओ, कैप्टनसी उसने इतने इनोवेटिव कैसे हो गया? थिंक टैंक से मैं आपको पहले भी कहता था कि हमारा थिंक टैंक इतना बेकार था पाकिस्तान का भाई, ये लोग कुछ बिल्कुल हेल्प ही नहीं कर सके। एक चीज मेरी समझ में आ गई है कि मोहम्मद अकरम भी है ना बाबर के बारे में, सैमी है दो दो जो चैंपियनशिप जीता हुआ है बाबर के बारे में, एज अ कैप्टन जो लोग कहते थे कि ईगोइस्टिक है सुनता नहीं है, तो भाई ड्रेसिंग रूम के बाहर से आवाज आएगी तो सुनना नहीं भी चाहिए, ठीक है। बात यह है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर से कितनी सेंसिबल आवाज़ें आ रही थी या कितनी एक जो अकल में आने वाली चीज़ें होती हैं वो कितनी थी, वहाँ से बेतुकी बातें आएंगी तो फिर बंदा क्यों इस चीज़ को करेगा। इसका मतलब ये है कि देर वॉज अ कम्प्लीट गैप बिटवीन थिंक टैंक एंड कैप्टन। और हम लोग उस टाइम पे बात भी करते थे ना कि यार इनको उसको कोई बताने वाला भी नहीं है, पीछे से कोई बता ही देखो ना यार, जब वो कराची की और पिंडी की विकेटों के ऊपर स्पिनर से अटैक करवा रहा है तो यार वो इंडिया में इंडिया में क्यों नहीं करवाया, क्यों ये महान आइडिया किसी ने क्यों नहीं दिया उसको? मतलब चलो यार मैं तो बोलता हूँ ना कि हम महान आइडिया यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं सब करते हैं, यार वो बाबर आजम है, उसको हम तो नहीं सिखाएंगे ना यार, उसका कोई बाहर से आके तो नहीं सिखाएगा ना, ये चीज है। बाबर आजम को हम तो नहीं सिखा सकते ना यार, या कोई और तो नहीं सिखा सकता। ही डेफिनेटली हैज अ बेटर ब्रेन एंड अ बेटर एक्यूमेन ऑफ क्रिकेट देन एनीबॉडी एल्स, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सारी दुनिया में खेला हुआ। और तो प्लेयर इतना अच्छा होता है तो जाहिर है कुछ सोचता भी उसी तरीके से होगा, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही अच्छा सोचता हो जितना अच्छा प्लेयर है, बट एट सम लेवल तो होगा ना। तो इसका मतलब ये, इससे ये चीज़ एक क्लियर होती है बिल्कुल कि यार जो थिंक टैंक हमारा था वहाँ पे, सही है, वो चाह रहा था कि ये फेल हो, क्लियरली नजर भी आ रहा था ना, और उसको थोड़ी सी सपोर्ट की भी जरूरत थी। अगर वो ट्राई करना चाह रहा था तो थिंक टैंक उसको बोलता ना कि हाँ भाई ट्राई करो। अब नवाज से आखिरी ओवर करवाना हमने नहीं देखा पीएसएल में कभी भी, मुश्किल सिचुएशन में किसी स्पिनर से आखिरी ओवर करवाया। भाई 20 ओवर की कैलकुलेशन ज्यादा आसान होती है 50 ओवर के मुकाबले में, ठीक है। जहाँ पे आखिरी ओवर में मैच फंस रहा है वहाँ पे हम देखते हैं आमिर जमाल बॉलिंग करा रहा है, ठीक है। जहाँ पे पावर प्ले में आउट करना होता है और पता होता है कि ये अगर अटैकिंग बैट्समैन आउट नहीं हुआ तो इसने 70-80 कर दिया तो स्कोर 200 ऊपर गया, वहाँ पे मेहरान मुमताज आ जाता है या साइम अयूब आ जाता है। तो एक नहीं है, मल्टीपल इसने ऐसे ऐसे वेरिएंट ट्राई किए जिन्होंने कभी बॉलिंग करी नहीं या जिसका अगली टीम ने सोचा भी नहीं होगा कि ये करेगी। अब आमिर जमाल को इसने जो है वो बिल्कुल पावर प्ले से निकाल दिए, अब मिडिल ओवर्स में आके, और वो डेथ भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रीजनेबल बॉलिंग कर रहा है। एक्चुअली देखें इसमें ये होता है कि जैसे भी साथ में गाना, जब सरफराज कैप्टन था और उसका जो मेथड था, जब क्वेटा बहुत सक्सेसफुल थी तो नवाज ने आखिरी ओवर किए भी हैं और बहुत जितवाया भी है क्वेटा को, राइट। यहाँ पे ये बात है कि बाबर के पास जब ये सारे ऑप्शंस थे तो लर्निंग कर्व ऐसे ही आता है कि भाई आप सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो सैमी और इसका रोल है ना मोहम्मद अकरम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नज़र आता है मुझे, क्योंकि कराची किंग्स में जब बाबर 7 मैच लगातार हारा था या 8 मैच जो भी जितने भी हारा था, तो उसमें ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस ना एज फार एज हिज कैप्टेंसी इज कंसर्न। तो यहाँ पे कैप्टेंसी उसकी बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि बिल्कुल फ्रीली वो कर रहा है, जबकि पिशावर अब शुरू में याद हो कि शुरू के 2 या 3 मैच हार गए थे और उन्होंने कमबैक किया, लेकिन होता है ना बड़ा सुकून। आप सैमी को देख लो, पैनिक में रजिस्टर से लेके बैठा रहता है, कोई शो नहीं मचाता। सैमी तो मुझे लगता है पिटाई विटाई भी लगाता होगा इनके अंदर आने के बाद, ये कुछ उल्टी हरकत करते होंगे ना तो। और सैमी की ना एक रिस्पेक्ट भी है जलमी कैंप के अंदर, उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फादर फिगर एक होना, और वो है, और उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है क्रिकेट पाकिस्तान में लाने के लिए। ये तो मतलब ये एक बॉल पर्सनालिटी भी दी है, एमजी मोटर्स की गाड़ी भी दी थी उसको, और ये वो बंदा है जिसने 2 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप और इतनी फ्रेगमेंटेड टीम थी वेस्ट इंडीज की, मतलब हर प्लेयर जो है ना अपने पास से बल्ले लेकर गए थे बेचारे, हर प्लेयर जो है वो अपनी स्टेट के लिए खेलता है
और वेस्ट इंडीज के लिए बहुत कम थे, इतने फ्रेगमेंटेड टीम को उसने जिताया था। हालांकि इसकी अगर प्लेयर इंडिविजुअल वो देखे ना, स्किल तो शायद इतनी ज्यादा नहीं है, लीडरशिप स्किल इसकी बहुत जबरदस्त है। इसको अगर पाकिस्तान ड्रेस से, मैं ही नहीं कह रहा, इसको कोच बना दे, मेंटर वगैरह बना दे, कुछ इस तरह का रोल अगर इसका हो जाता है ना, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद शेन वॉटसन और रिचर्ड का कॉम्बिनेशन। लेकिन शेन वॉटसन ने इतने पैसे मांगे, विविन रिचर्ड एज अ मेंटर, और शेन वॉटसन ने बहुत यार, विविन रिचर्ड, शेन वॉटसन 1 करोड़ रुपए मांगे मंथली। अच्छा, तो इस वजह से डील स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि उसकी यंग फैमिली है, उसने मुझे लगता है वही नहीं होता, पैसे इतने मांग लेते वो खुद ही मना कर देते हैं। नहीं नहीं, वो वाली सिचुएशन अभी हैसन के साथ भी, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए कितने बनते हैं डॉलर्स। हाँ, लेकिन स्टिल अ लॉट फॉर पाकिस्तान। पर लास्ट टाइम जो हमने पे किए थे मिकी को, 3 या 4 मिलियन थे, 3 से 4 मिलियन का तो आपने नवाज लिया। तो सही मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं लेने वाले, बहुत महंगे, बार्गेनिंग करेंगे, ये वही 20 लाख रुपए में आकिब जावेद लगा देंगे। हाँ बिल्कुल लगा देंगे, शाहीन की फर्दर ईगो बूस्ट करेगा वो आके, शाहीन की को बूस्ट करेगा, हारिस रौफ की को बूस्ट करेगा, जिसको सारे 6.5 फुट के प्लेयर चाहिए, 6.5 फुट के सारे प्लेयर चाहिए, बड़े बड़े हाथ, उसामा का तो कंफर्म, इसको वेस्ट इंडीज का बनाते ना, सब कुछ बड़े बड़े मिलेंगे, हाँ मिलेंगे भी बड़े बड़े, हाँ वहाँ तो ये छोटा लगेगा सबके आगे, भी कहेंगे खेलता था तो इसने कभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, वो इसलिए तो कहता है कि बड़े बड़े हाथों वाले प्लेयर होने चाहिए। हालांकि इसके टाइम पे तो फिर भी इतने लंबे चौड़े नहीं थे, 1-2 ही होंगे, सिमंस विमंस ही थे लंबे बैट्समैन, तो बाकी सारे तो लारा वाला तो छोटे ही थे, कहां बड़े थे उनके, ग्रीनेज और ये तो जा चुके थे उस टाइम पे, जो ये लंबे बॉलर तो होंगे ना यार, सिमंस एक लंबा बैट्समैन था, बाकी सारे हूपर, आर्थरटन, अरे तो बॉलर तो लंबे होंगे ना, एडम्स, लारा, चंदरपॉल, ये सब तो छोटे 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 से ही थे बेचारे। लारा जब कूटता था तो नहीं बोलता था कि इसके छोटे छोटे हाथ हैं, इसने इतने रन कैसे बना लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगा यार उसका ये जुमला, बिल्कुल ये बहुत बकवास बात की थी उसने, खैर उसको सूट भी करती, खैर ये नहीं करता तो आज हम क्या बात करते फिर। कंटेंट दे दी उसने, कंटेंट जहां तक खैर इस्लामाबाद की बात है ना, इस्लामाबाद एक जो उसका इसकी वीकनेस है वो ये कि वो बूम और बस्ट वाली टीम, जिस तरह इंग्लैंड के साथ है ना, लाइन लगने पर आए ना, कोई एक अच्छे स्पेल में हो तो एक साथ 3-4 विकेट निकाल लेंगे। हाँ, ये वाली बात तो सही है। अगर यहाँ पे हमने वो देख भी लिया है। हाँ, अगर मेहरान मुमताज या साइम अयूब कोई ट्रिगर कर ले इनके, इनका जो है वो कोलैप्स, तो कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन चलो पेशावर तुम्हारे ख्याल में आइडियली उसके लिए क्या है, बैट फर्स्ट, बैट फर्स्ट सेट अ स्कोर, या फिर ये चीज नहीं, बैट फर्स्ट सेट, नहीं बैट फर्स्ट सेट अ स्कोर और सेट अप बिग स्कोर, हां पावर 190 प्लस 180 भी घुसा लेंगे यार, विकेट बहुत नहीं, लेकिन उनके पास पावर प्ले में मैच का फैसला हो जाएगा, पावर प्ले में हो जाएगा, पावर प्ले में 2 आउट कर दिए, 3 में 40 हो या 9 के, फिर जिस तरह से हो रही है मेरी, तो बस फिर फिर गेम हो जाएगा मैच, वरना नहीं है, फिर इस्लामाबाद जीत जाएगा, इस्लामाबाद की डेप्थ है बैटिंग में, हाँ काफी, एक के बाद एक राक्षस आता रहता है, एक के बाद एक आता रहता है, इमाद 6 आउट हो गए, मैंने कहा चलो अब तो रिलैक्स हो गए, और 6-7-8 के नसीम भी मार लेते हैं, मतलब आज आखिरी बॉल पे ऐसे टिका के 6 मारे उसने यार, और उसको भी जो है ना, आप अगर खैर राग गिनना तो नहीं चाहिए, ये क्रिकेट की बेहुरमती है कि अगर राणा फहीम अशरफ को ऑलराउंडर गिना जाए, लेकिन फिर भी चलो कागजात में तो है ना, आप बॉल्टर है, कितने ऑलराउंडर इस के खेल रहे हैं, कागजात में तो है ना यार, हम तो अपने वाले की बात करेंगे ना, कागजात है, उसमें टैक्स भी दिया हुआ, टैक्स भी दिया हुआ उसने दिसंबर तक का, ये बात भी सही है पूरा, कागजात एडवांस टैक्स पेयर है वो, उसको भी डाल लो तो यार, ये 40-40 रन बनाने वाले प्लेयर तो इनके 9 नंबर 10 नंबर तक है सारे, ये तो कोई मसला नहीं, एवरेज वैसे 25 से 30 रन वाले, हाँ 25 मतलब 25 खींच तान के 40 भी बना लेंगे, चला बना लेंगे, बना लेंगे, 40 बॉले नहीं मिलेंगे, लेकिन 40 बॉले तो नहीं मिलेंगे, 40 बॉलों की तो शर्त है, 6 महीने हो गए आज तक, फात भाई आप मुझे बताया नहीं आपने, चाचा ने 40 बॉले कब खेली है 6 महीने में पिछले, उनको मिली नहीं है यार बेचारे, बेचारे को मिली नहीं है, नहीं, पूरे पीएसएल में नहीं मिली 40 बॉले उनको, बस ये इफ्ती चाचा और 40 बॉले, जिस दिन 40 बॉले खेल लेगा उस दिन ही अमर होगा, उससे पहले नहीं होगा, टी20 में तो खैर 40 बॉले में टेस्ट मैच खिला दो उसको, उसमें भी नहीं खेलेगा 40 बॉले, ये टेस्ट मैच के तो वो प्लेयर नहीं है ना, टेस्ट मैच में चाचा नहीं खेल सकते। एक आखिरी सवाल पता नहीं है इसमें आना चाहिए या नहीं, फखर जमान के बारे में मैं जरा आप लोगों की राय जानना चाह रहा था कि आप अब आप लोग क्या समझते हैं उसके बारे में,
कि वर्ल्ड कप में होना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए और उसको जो है वन डाउन टू डाउन खिलाना चाहिए इनको ओपन तो सवाल ही पैदा नहीं होता है आई थिंक टू डाउन खिलाए भाई उसको 6 नंबर पे खिलाओ एंड में डेथ नहीं टू डाउन के लिए ठीक है वो स्पिनर्स को टेक डाउन बाबर ओपन लगा बड़े मैच का प्लेयर अभी सूदी आ रहे बल्ले पे तेल लगाना शुरू कर सोदी पाजी की जो है गुड लगेगी चलो देखते हैं कल क्या होगा तो बातें खत्म नहीं हो रही अब इसको रोकते हैं फिर कल इंशाल्लाह बाबर एक ट्रॉफी जीता यार बस ये बाबर एक ट्रॉफी जीती है यार एज अ कैप्टन पाकिस्तान के लिए जब इंशाल्लाह दोबारा बनेगा ना 2 साल बाद फिर जीतेगा और अच्छा कैप्टन बन गया होगा तब तक कप्तानी घूमती रहेगी अभी तो मेरे ख्याल में 2 सीजन और पीएसएल की कप्तानी करेगा हो सकता है और इम्प्रूव कर जाए क्योंकि ना सेमी कहीं जा रहा है तो आई थिंक ही विल हेल्प हिम बिकम बेटर कैप्टन चैलेंज